कोलकाता के आक्रोश से राजस्थान में भी चिकित्सा सेवाएं बेपटरी। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने संपूर्ण शटडाउन कर रखा है। शटडाउन से एसएमएस में ओपीडी, आईपीडी, ओडी, आईसीयू के अलावा सभी तरह की इमरजेंसी सेवाओं पर व्यापक असर पड़ रहा है। एसएमएस में 5-6 दिन से अधिकांश रूटीन ऑपरेशन ही स्थगित किए जा रहे हैं और इसमें सेवारत चिकित्सकों ने भी आज 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया। जयपुर समेत प्रदेश भर में सुबह 8 से 9 बजे तक कामकाज भी प्रभावित रहा। एसएमएस में मेडिकल टीचर्स ने गेट मीटिंग आयोजित कर विरोध जताया। चिकित्सकों के आंदोलन के चलते गंभीर श्रेणी के मरीज परेशान हो रहे हैं। ओपीडी से लेकर आईपीडी में इधर से उधर फटकते नजर आ रहे हैं मरीज। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर एक बार फिर से उनका रुख करेंगे जानकारी के लिए। विकास जी, गुस्सा समझ में आता है, आक्रोश भी समझ में आता है, मांग भी जायज है, लेकिन तरीका और अगर इस तरीके से जारी रहा तो फिर मरीज किस भरोसे रहेंगे? फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है जरा बताइएगा। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हालत काफी चिंताजनक है राजस्थान में। हालत इसलिए चिंताजनक है क्योंकि कोलकाता को लेकर जो आक्रोश की बयार देखने को मिल रही है एसएमएस के अंदर समेत सभी जगह सब जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, उस आक्रोश में कहीं पर भी वो थमता नजर नहीं आ रहा। आप देखिए, लगातार ये केस जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से जो दिल्ली के अंदर आक्रोश बढ़ा है उसके बाद में रेजिडेंट्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार, शटडाउन, इमरजेंसी समेत तमाम तरह की सेवाओं का कार्य बहिष्कार रखा है। वहीं दूसरी ओर सेवारत चिकित्सकों ने भी आज सुबह 1 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया। वहीं तीसरी ओर जो मेडिकल टीचर्स हैं उन्होंने एसएमएस में गेट मीटिंग आयोजित करके अपना विरोध जताया। यानी कुल मिला की बात यह कि तमाम जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, चाहे वो इन सर्विस के हो, चाहे वो मेडिकल टीचर्स हो, चाहे रेजिडेंट हो, सभी में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है और इसका सीधा खामियाजा प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल समेत सभी अस्पतालों के अंदर मरीजों को उठाना पड़ता है और हालात काफी चिंताजनक हो गया है। इस बीच में आपको एक ताजा अपडेट और दे दूं, कल पूरे राजस्थान में मेडिकल शटडाउन का आह्वान जो है वो किया गया है। आईएमए ने कल सुबह 6 बजे से अगले रविवार सुबह 6 बजे तक के लिए कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। हालांकि इसमें इमरजेंसी सेवाओं को यथावत रखा गया है, लेकिन फिर भी जो रेजिडेंट है उन्होंने भी इमरजेंसी सेवाओं को पहले से बंद कर रखा है। तो ऐसे में कल का दिन कह सकते हैं प्रदेश के मरीजों के लिए एक अग्नि परीक्षा के रूप में होगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा, बाकी जगह पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, चलिए नजर बना के रखिएगा विकास जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन मरीज वाकई में बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या तोड़ निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे।